अमरावती और उदयपुर हत्याकांड के बाद दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि बहुत से लोगों को नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अमरावती ही नहीं, नागपुर और अकोला में भी लोगों के पास सिर तन से जुदा कर देने वाले फोन कॉल्स आ रहे हैं। माफीनामा का वीडियो मांगा जा रहा है। इनमें से कुछ फोन अमरावती हत्याकांड को अंजाम देने वाले इरफान शेख रहीम की एनजीओ रहबर हेल्पलाइन की तरफ से भी किए गए हैं। ऐसा ही एक फोन अमरावती के मोबाइल शॉप ओनर के पास भी आया है, जिन्होंने सिर्फ 4 मिनट के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर नुपुर शर्मा के समर्थन वाला पोस्ट शेयर किया था। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दी आपकी दुकान पे आना पड़ेगा। कभी मैंने बोला भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। चार तुमने वीडियो डालना व्हाट्सएप पे डालना था, क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए उसे मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया, हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा किया, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। जैसा माफी मांगना पड़ेगा ना, तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया, मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाबा, हाँ भाई जी, ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा भाव चलता। मैं क्या बोल रहा हूँ, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं, क्या बोल रहा ना, तुम अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। मैं एक मिनट अपना पक्ष रखू, एक मिनट सुनते हैं मेरी बात भैया। हाँ हाँ बोल। किसी ग्रुप में मेरे को आया, अपन 3-4 के सिलेक्ट करते स्टेटस रखने के लिए, तो गलती से मेरे सिलेक्ट हो गया। गलती से ऐसा कैसा हो गया? गलती। पीड़ित ने भास्कर संवाददाता को बताया कि उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर परिचित के ही एक दुकानदार ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। मैंने रखा था स्टेटस, 4 मिनट डिलीट कर लिया था। अच्छा। और 6 दिनों में दिखा था मेरा वो। अच्छा। और वो उसमें हमारे दुकानदार समाज में वो जो है एक दुकानदार, उसने स्क्रीनशॉट के अपने ग्रुप में डाल दिया। अच्छा। तो उनको फोना वोना आना चालू हो गए, मेरे दुकान के फेसबुक से निकाल के बाई वॉट के मैसेज बना लिए उन लोगों ने। 10-11 तो बहुत फोन आया मेरे को, 12-13 मोबाइल बंद कर दिया। 14 तारीख से मेरे को एक कॉल आया, माफी नामा वीडियो बना के 10 तारीख को उनको भेज दिया था उनके ग्रुपों में। नागपुर के एक शख्स ने तो इस तरह की धमकियों से परेशान होकर अपना घर ही छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया था। परिवार ने कुछ सुरक्षा के विषय में कुछ अपेक्षा जताई है। मैं बताऊं कि उनके एरिया में बंदोबस्त लगाया गया है और हमारे ऑफिसर्स उनके फैमिली से संपर्क में हैं। भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या को अंजाम देने के मामले में भी सामने आई है। उनके भी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। क्योंकि सच करीब से दिखता है।